नमस्कार दोस्तों, हमारे स्मार्ट एल्युमिनियम चैनल में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप लोग थंबनेल पे देख लिए होंगे कि एमएम में इंच को कैसे कन्वर्ट करें और इंच को एमएम में कैसे कन्वर्ट करें। तो आप लोग का काफ़ी कमेंट आ रहा था, इसमें से दोस्तों बहुत लोग कमेंट करते हैं सर एमएम में बताइए, एमएम में बताइए। क्योंकि एमएम में ही जो लोग देखिए, जो लोग क्या है ना एमएम में काम करते हैं, उनको अगर इंच में बोला जाए काम करने के लिए वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। इंच में मेजरमेंट निकालने के लिए बोल दिया जाए तो एकदम कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको इंच में नहीं आता है। एमएम में आप बोलो ना 10 mm कम करो, 20 mm, 75 mm, 200 mm, 400 mm, तो वो बहुत आसानी से समझ जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं, आप इंच को एमएम में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 सेकंड में, और एमएम को इंच में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे दोस्तों, मैं आज आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, और इंची टेप में भी साथ ही साथ दिखाता रहूंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो एमएम में काम करने वाले हों चाहे इंच में काम करने वाले हों, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आज आपको बहुत अच्छा टेक्निक देने वाला हूं, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, और इसी तरीके का इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना, क्योंकि उनको भी ऐसे ही तरीके का जानकारी मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको मैं दिखाऊंगा बुक पे। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मैं अपने ड्रॉइंग पेज पे आ चुका हूं, मैं आपको कैलकुलेट करके यहां पे दिखाता रहूंगा। और दूसरा, हमारे पास एक इंची टेप है, तो 5 मीटर का इंची टेप है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 मीटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी में इंची टेप से हम आपको दिखाते भी रहेंगे, और साथ ही साथ दोस्तों आपको कैलकुलेट करके भी दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आप ऊपर देखिए 25.40, तो ये इसके बारे में ही आपको सारी कला है दोस्तों, इसमें ही मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा। बट आप लोग सबसे पहले देख लीजिए 25, और यहाँ पे देखिए छोटा सा बिंदी दिया हूँ, इसको बोलते हैं पॉइंट, उसके बाद 40। तो इसके बारे में हम आपको समझाएंगे अभी, बट देखिए 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे 100 mm का कितना इंच, ठीक है, और 200 mm का कितना इंच, इसी तरीके से 1000 mm का कितना इंच, 1530 mm का कितना इंच, 2230 mm का कितना इंच, मतलब कितना भी आपका mm हो आप 1 सेकंड में दोस्तों उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इंची टेप में उसको देखो उसके बाद कन्वर्ट करो। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं ऊपर का लिख दिया हूँ, फिर भी मैं आपको इसकी यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 नंबर से। तो दोस्तों, ये हमारा है 1 नंबर, 100 mm का कितना इंच, आप देख सकते हैं यहाँ मैं लिख दिया हूँ 3 इंच 15 16, मतलब 4 नहीं है, ठीक है। अब इंची टेप में आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, ये देखिए हमारा 100 mm है, ठीक है। तो कितना इंच है दोस्तों, 3 इंच 15 16, देख सकते हैं इसके सामने आ रहा है जस्ट, मतलब ये बड़ा वाला लाइनिंग है तो आधा सूत कम है, तो 3 इंच 15 16 हुआ दोस्तों, आप लोग इससे क्लियर हो गए। अभी मैं आपको 200 mm से दिखाता हूँ, ठीक है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये 200 mm है, ठीक है। कितना आ रहा है, 7, 7, 8 के सामने आ रहा है 200 mm, ठीक है। अब 200 mm हम कैसे करेंगे कैलकुलेट से, और 100 mm को कैसे करेंगे, इसी तरीके से दोस्तों मैं आपको यहाँ 5 जानकारी देने वाला हूँ आज आपको। और ये जानकारी दोस्तों, ये 5 है नहीं है, आप इस तरीके को अगर समझ जाएंगे, आपका कितना भी mm हो आप उसको तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं इंच में, और अपने मोबाइल कैलकुलेट से, ठीक है। आपके पास तो मोबाइल कैलकुलेटर दोस्तों होगा ही। अभी देखिए 200 mm पहले तो मैं लिख दिया हूँ, अब दूसरा का करता हूँ दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने दिखाऊंगा 200 mm, ठीक है, 200 200। अब हम क्या करेंगे 200 लिखने के बाद दोस्तों कैलकुलेटर में, तो ये आपको समझाने के लिए मैं छोटा कैलकुलेटर लिया हूँ, आप मोबाइल से इसी तरीके से कर सकते हैं जैसे मैं करता हूँ, ठीक है। 200 mm इसको हम करेंगे भागे, भागे कितना करेंगे 25.40, उसके बाद इंटू करेंगे, तो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, 7 पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, पॉइंट भी है 8, 7, तो ये कितना हो गया हमारा 90 से 3 कम है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा हो गया 7 इंच 7, 8, ठीक है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 7, 7, 8, ठीक है, पूरा 8 नहीं है 200 mm में, तो यहाँ पे हमारा 7, 7, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैं आपको 1000 mm में बता रहा हूँ कितना इंच होता है, तो चलिए मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ, 1000, ये हो गया हमारा 1000, इसको हम क्या करेंगे भाग, आप दोस्तों देख सकते हैं भाग का मैंने यहाँ पे चिन्ह लगाया, और क्या करूँगा ये जो 25.40 है यही हम इसमें डालेंगे 25.40। दोस्तों देखिए, वीडियो को कोई कट नहीं कर रहा हूँ मैं, और आपके सामने इंटू कर रहा हूँ, देखिए आपको यहाँ आ गया है 39.37,
तो ये हमारा हो गया 3938। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं 1000 mm को 1 मीटर भी बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया 3938। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम करते हैं। और ये 3938 दोस्तों मैं आपको इसमें भी दिखा देता हूँ, इंची टेप में भी। ठीक है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसके सामने जस्ट देखिए 38 आया है दोस्तों। मैं आपके सामने करके एकदम दिखा दिया, एकदम परफेक्ट। ठीक है, इस तरीके से हम आप करते हैं। चलिए इसको छोड़िए, हम करते हैं 1530, उसके बाद करेंगे भाग। ठीक है, 25.40 इंटू, आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे 60.23 आ रहा है। पीछे का अंक हम नहीं लेते हैं, ये पहले आप लोग याद रखिए। ठीक है, तो 60.23 तो मतलब हमारा 60.14 हुआ दोस्तों। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 60.14। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप, अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, अभी मैं 5 नंबर आपको दिखा रहा हूँ, 2230 भागे 25.40। ये मैं जो ऊपर लिखा हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं, इसी से सारा कमाल होता है। ठीक है, इस तरीके से आप दोस्तों इसको करेंगे जब इनटू, तो यहाँ पे आ जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है दोस्तों 87, आप देख सकते हैं 79, 80 से थोड़ा कम है। ठीक है, ये हमारा 80 से कम है, तो ये हमारा कितना हुआ 87 13 16। ठीक है, मतलब 6.5 सूता 13 16, इसको हम बोलते हैं 13 16। तो 87 13 16 दोस्तों, ये हमारा 13 16 हुआ। इस तरीके से दोस्तों, आपका कितना भी mm हो, चाहे 200 mm हो, 250 mm हो, 500 mm हो, 230, 222, 225, कुछ भी mm हो, आपको करना सिर्फ एक तरीके से है। ठीक है, आपका चाहे जितना mm हो, जैसे आपका समझो 2500 mm हो, ठीक है 2500 mm, ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, 2500 mm को भाग करेंगे, क्योंकि mm को कन्वर्ट करना है इंच में, तो भाग करेंगे। ठीक है, आप इसको करेंगे 25.40। तो दोस्तों आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा 98.42, मतलब 7.16। इस तरीके से दोस्तों आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिखा भी नहीं हूँ, इस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं आपको एक जानकारी दोस्तों लास्ट में और दे देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, अभी तक मैंने आपको बताया mm को इंच में कन्वर्ट करना, ठीक है, अभी मैं आपको बताऊँगा इंच को mm में कन्वर्ट करना। 36 इंच, इसको हम mm में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, 25.40 गुड़े यहाँ पे 36 इंच है, बराबर यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, बराबर ये हमारा 914 mm आ चुका है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों आप लोग काम कर सकते हैं। और एक चीज़ आप याद रखिए, ये चीज़ मत भूलिए, ठीक है, ये 25.40 आपको अगर ये याद रहेगा दोस्तों, तो आप इंच को mm में कर सकते हैं, mm को इंच में कर सकते हैं। ठीक है, आप ये चीज़ याद रखिए हमेशा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करके जाना, बार बार बोलता हूँ, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।